मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बीरभूम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने लॉकडाउन के दौरान हुए पलायन में बंगाल के सबसे ज्यादा मजदूरों के होने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने ममता सरकार से बंगाल में उद्योग धंधे बंद होने को लेकर सवाल किए। वहीं ममता बनर्जी से उनके भतीजे के अरबपति होने पर भी सवाल दागे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ी संख्या में उपस्थित बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी का दमन चक्र चल रहा है, जिसमें वीर भूमि के 17 कार्यकर्ता भी शहीद हुए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के शहीद होने की खबर सुनकर बड़ा दुख होता है। डरपाना और उसका पैसा हजम कर जाना, उसकी जमीनें हजम कर जाना और उस बेचारे को बेरोजगार बना देना। आज जब लॉकडाउन हुआ तो सबसे ज्यादा मजदूर बंगाल का था जो पलायन करके बंगाल आया। क्या कारण था कि बंगाल में इतने उद्योग होने के बाद उसे बाहर काम के लिए जाना पड़ रहा है। उद्योग क्यों बंद हो रहे इस पश्चिम बंगाल के, ये जवाब नहीं देती ममता जी। अरे आप तो फर्नीचर नेता कहलाती थी, सड़क छाप कहलाती थी, अरबों की संपत्ति आप पे कहां से आ गई? आपके भाई भतीजे अरबों के मालिक बन गए और बंगाल का गरीब गरीब होता चला गया। ऐसा ये राजनीति होती है क्या? इसको राजनीति कहते हैं क्या? केंद्र से पोषित योजनाएं, वेंडर स्कीम, प्रधानमंत्री जी ने 10,000 रुपया हर गरीब के लिए डाला लेकिन पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि शोषित पीड़ित दुखित बांधवों के हमको है कष्ट मिटाने और डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म हित विपदाओं में सीना ताने। आप जैसे कार्यकर्ता वास्तव में वंदनीय हो, आप सब अभिनंदनीय हो, क्योंकि जिस तरह का दमन चक्र ममता बनर्जी ने चलाया और उसके बाद आप में ये मैंने उत्साह पाया, मन आनंद विभोर हो गया, पुलकित हो गया, मेरा मन प्रसन्न हो गया। मैं आपकी ये उत्साह और उमंग की बातें जब मध्य प्रदेश में सुनाऊंगा तो वो भी भाव विहोर हो जाएंगे। मेरी वीर भूमि के, अपनी वीर भूमि के 17 कार्यकर्ता शहीद हुए, 17 कार्यकर्ता, ऐसा ही है ना? और मैं सच बता रहा हूं आपको, जब हम मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ता के शहीद होने की खबर सुनते थे, उत्तर प्रदेश में सुनते थे, तो आपसे ज्यादा कष्ट होता था हमको, आपसे ज्यादा कष्ट होता था। आप तो यहां फेस कर रहे थे लेकिन वहां पीड़ा से हम सो नहीं पाते थे। दीदी कह रही थी कि बाहर के लोग आ गए, अब दीदी को घुसपैठी है तो अंदर के दिखते हैं, हम लोग भारत के ही हैं, बाहर के दिखते हैं उनको। वो घुसपैठियों को अपना मानती है, हमको बाहर का मानती है, इस देश का मानती ही नहीं है। पिछले चुनाव में ममता दीदी बांग्लादेश से कलाकारों को बुलाती थी प्रचार करने, वो देश के थे और हम आ गए तो हम बाहर के।